हाय गाइस, वेलकम टू योर 44 जावा ट्यूटोरियल इन हिंदी बाय टेक्नोसेश। और इस वीडियो में हम सीखेंगे लिंक लिस्ट और इटरेटर्स। हमने अरे लिस्ट ऑलरेडी सीख लिए थे और लिंक लिस्ट उससे बहुत सिमिलर होता है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि अभी लिंक लिस्ट सीखने का क्या जरूरत है हमें। इसमें ये फायदा है कि लिंक लिस्ट के पास डी क्यू का भी मेथड्स है, जो हम अभी एग्जाम्पल में देखेंगे। अब इटरेटर्स क्या होता है? जब हमें एक कलेक्शन के सारे एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करना है, यानी कि हमें उसके सारे एलिमेंट्स एक एक करके देखना है, तो इटरेटर्स को यूज करना होता है। इटरेटर्स दो तरीके के होते हैं, वो है लिस्ट इटरेटर और इटरेटर, यानी कि साधारण इटरेटर। इस वीडियो में हम सिर्फ लिस्ट इटरेटर देखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास फॉर लूप और एनहांस्ड फॉर लूप है, जिससे हम एक कलेक्शंस को ट्रेवर्स कर सकते हैं, तो हमें इटरेटर्स की क्या जरूरत होती है? इटरेटर्स में कई सारे मेथड्स होते हैं, जैसे हैश प्रीवियस, जो ट्रू रिटर्न करता है अगर एक एलिमेंट करंट पोजीशन के पीछे है तो, और हैश नेक्स्ट मेथड जो उसका ऑपोजिट होता है। प्रीवियस मतलब प्रीवियस करंट पोजिशन का से प्रीवियस वाला एलिमेंट, नेक्स्ट उसका ऑपोजिट वगैरह, जिससे हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। अब हम एक अच्छा सा एग्जाम्पल के साथ इन चीजों को देखते हैं डिटेल में। अब ये मान लीजिए कि किसी ने मुझसे आके कहा कि अरुण, तुम हमारे टीम का मैनेजर हो और तुम्हें मेरे टीम के लिए 5 ग्रेट बैट्समैन चूज करना है और बाकी मैं बाद में बता दूंगा। तो मैं बहुत खुश हो गया और मैंने सोचा कि हाँ भैया, अभी मैं एक लिंक लिस्ट यूज करके 5 बैट्समैन को सेलेक्ट करता हूँ। तो चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। सबसे पहले मुझे इंपोर्ट करना होता है जावा के यूटिलिटी क्लास star। तो उसको मैंने इंपोर्ट किया, उसके बाद मैं बनाऊंगा मेरा क्लास का मेन मेथड। सबसे पहले मैं अपना क्लास को डिक्लेयर करता हूँ, तो पब्लिक क्लास टीम मैनेजर, और जैसे कि मैंने बताया उसके अंदर मेरा मेन मेथड। ठीक है, तो अभी मैं सबसे पहले लूंगा एक स्ट्रिंग का अरे, जिसका नाम मैं रखूंगा बैट्समैन। ठीक है, बैट्समैन का स्पेलिंग शायद सही है। और इसके अंदर मैं डाल दूंगा 1, 2, 3, 4, 5 बैट्समैन को। तो वो होंगे सहवाग, गेल, सचिन, धोनी और युवराज। ठीक है, और मैं एक लिंक लिस्ट बनाता हूं जो होगा स्ट्रिंग टाइप का और जिसका नाम होगा सिर्फ लिस्ट, या फिर मैं इसको बैटर्स लिखता हूं। क्यों कंफ्यूज करना है, लिस्ट ही लगते हैं इसको। और जैसे कि हमने अरे लिस्ट के साथ किए थे, वैसे यहां पे भी करेंगे। स्ट्रिंग, हमने लिंक लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अब मेरा काम है इसको बैट्समैन नाम का अरे, जो स्ट्रिंग टाइप का है, उसको उसके सारे एलिमेंट्स को मुझे लिंक लिस्ट के अंदर डालना है। तो मैं इसको ऐसे करूंगा, स्ट्रिंग एक्स इन लिस्ट बैट्समैन, और लिस्ट डॉट एड एक्स, बिल्कुल जैसे हमने अरे लिस्ट के साथ किया था। हमने सारे एलिमेंट्स को लिया स्ट्रिंग अरे से और इसके अंदर लिंक लिस्ट के अंदर, जिसका नाम है लिस्ट, उसके अंदर हमने डाल दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं
इसको हम प्रिंट करते हैं फॉर स्ट्रिंग पी इन लिस्ट। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन पी, ठीक है। तो ये देखकर मेरा बॉस आके मुझसे कहा कि अरुण तूने बहुत 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 बढ़िया काम किया है और अब तुझे एक और काम देता हूँ और वो है बोलर्स को चुनने के लिए। तब मैं और खुश हो गया और एक और स्ट्रिंग टाइप का अरे बनाया जिसका नाम मैंने रखा टीम टू, या फिर इसको मैं बोलर रखता हूँ। और इसके अंदर डाल दिया मैंने 5 ग्रेट बोलर्स को, या फिर 6 डाल देता हूँ इसमें, ईशांत, वसीम, इमरान, जहीर, वरुण और अश्विन। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब मैं यही काम इधर भी करूंगा, इसको मैं ऐसे कैसे कॉपी कर देता हूँ। इसको मैंने बना दिया लिस्ट टू, और एक सेकेंड इससे जो आपको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से दिख जाएगा। और ये होगा बोलस, मैं इसको वाई बना देता हूँ, ठीक है। और एक एनहांस फॉर लूप के साथ इसको मैं क्यू कर दिया, और ये है लिस्ट टू, और इसको भी मैंने यहाँ पे क्यू कर दिया, ठीक है। और ये भी देख लिया वो, और वो मतलब मेरा बॉस और भी खुश हो गया। तब फिर उन्होंने मुझसे बोला कि भाई तू इन दोनों को ऐड करके एक टीम बना दे 11 प्लेयर्स का, तो हम सब खुश हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे देख लीजिए, लिस्ट को ले लिया मैंने, ऐड ऑल और लिस्ट टू। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, लिस्ट लिया मैंने जो मेरा लिस्ट था, और ऐड ऑल नाम का एक मेथड है जिससे लिस्ट टू का सारा सारा एलिमेंट्स को मैं लिस्ट के अंदर डाल दूंगा। और फिर मैंने एक मेमोरी फ्री किया इसका, लिस्ट टू इक्वल टू नल डाल दी। बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने लिस्ट टू को नल डाल दिया, इसलिए मेरा ऑब्वियसली मेरा सॉफ्टवेयर का साइज थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब मैं डालूंगा इसके अंदर 3-4 मेथड्स, या फिर मैं उसको अगले वीडियो में कंटिन्यू करता हूँ। तो अगले वीडियो में मैं इसी प्रोग्राम को पूरा कर देता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं हम अगले वीडियो में।